हाय फ्रेंड, आज मैंने गाजर की सब्ज़ी बनाई है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। पहले हमने गाजर के जड़े को काट के निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। हमने उसके बाद हमने गाजर को जब बराबर टुकड़ों में काट लिया है। हम गाजर को काटते समय ध्यान देंगे कि हमारे गाजर के सभी टुकड़े बराबर हों। अगर हमारे टुकड़े बराबर नहीं होंगे तो हमारी सब्ज़ी अच्छे से नहीं पकेगी। इसके लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं, धनिया पाउडर, जीरा मिर्च पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। तड़के के लिए हमने जीरा और राई लिया है, लहसुन भी लिया है इसको क्रश कट करके डालने के लिए। हमने एक टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है, लहसुन को क्रश करके रख लिया है। अब हमारी कढ़ाई हमने गैस पर रख दी है और कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। हमने तेल डाल दिया है, हमारा तेल गर्म हो गया, हमने राई डाल दिया है। जब हमारा राई पूरी तरह से चटक जाएगा तो हम इसमें जीरा डाल देंगे। इसमें राई और जीरा का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम गाजर डाल देंगे। गाजर डाल के हम धीरे धीरे करके इसको चला लेंगे और इस समय हमारा फ्लेम मीडियम रहेगा। इसको धीरे धीरे करके हम चलाते रहेंगे। 2 मिनट के चलाने के बाद हम इसको ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे और हमारा फ्लेम मीडियम रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारा गाजर थोड़ा सा गल चुका है। अब हम नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। नमक डालने से हमारा गाजर अच्छी तरह से थोड़ा जल्दी गलेगा। नमक डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि हमारा नमक गाजर में अच्छी तरह से मिल जाए। जब हमारा नमक अच्छी तरह से मिल जाएगा तो हमने जो भी मसाले लिए थे, धनिया पाउडर, जीरा मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, सभी को, लाल मिर्च को हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो 2 चम्मच डालिए, अगर कम तीखा चाहिए 1 चम्मच डालिए। कटे हुए टमाटर, धनिया, सभी मसालों को और क्रश किए हुए लहसुन को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इसको धीरे धीरे करके मिलाएंगे। अब हमारे सभी मसाले और टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं, साथ ही साथ हमारा गाजर भी अच्छी तरह से गल चुका है। हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। इसको सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए भी हम बना सकते हैं। हमारे गाजर की सब्ज़ी सर्व के लिए रेडी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।